कन्या प्रियंका चोपड़ा ने करवाई थी प्लास्टिक सर्जरी? क्या किसी डायरेक्टर ने प्रियंका को प्लास्टिक सर्जरी करने को कहा था? क्या प्रियंका ने किताब इन सब रूमर्स को क्लैरिफाई करने के लिए लिखा? आइए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब खुद प्रियंका की जुबानी। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी पहचानी जाती है। इन दिनों प्रियंका अपनी किताब अनफिनिश्ड को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है, जिसमें वो अपनी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों का खुलासा करने वाली है। प्रियंका अपने मेमोयर से कुछ किस्से सोशल मीडिया पर भी साझा कर चुकी है। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस किताब में प्रियंका ने बयान किया है कि किस तरह एक फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सुझाव दे डाला था। प्रियंका ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस पर बात भी की है। हाल ही में एशियन स्टाइल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या इस किताब में उन्होंने उन अफवाहों पर सफाई पेश की है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तो प्रियंका ने कहा, मैंने किसी चीज की किसी को सफाई देने के लिए किताब नहीं लिखी है। वो एक ऐसा मौका था जब मैं बैठी और अपनी जिंदगी के माइलस्टोन के बारे में लिखा। प्रियंका ने आगे लिखा, मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस की एक महिला हूँ जो कि एक पितृसत्तात्मक जगह है। मुझे यहाँ बहुत टफ होना पड़ा। जब कलाकार अपनी कमजोरी दर्शाते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने में आनंद महसूस करते हैं। मैंने सिर्फ अपना काम किया। मैंने जो झेला उसके बारे में बात नहीं की। मैं अब ज्यादा समझदार हूँ, जिसकी वजह से अतीत की बात करना आसान हो जाता है। इस किताब में मैंने कोई सफाई नहीं दी है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है, मेरे नजरिए से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका ने किताब में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है, जब मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली तो कुछ बातचीत के बाद उन्होंने मुझे खड़े होकर घूमने के लिए कहा। मैंने ऐसा किया। वो काफी समय तक मुझे घूरते रहे और मुझे देखते ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ब्रेस्ट सर्जरी करवानी चाहिए, इसके अलावा अपने जबड़े और बट का आकार भी ठीक करवाना चाहिए। अगर मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ तो मुझे ये सब ठीक करवाना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो लॉस एंजलिस में एक डॉक्टर को जानते हैं, जिनके पास वो मुझे भेज देंगे। इस घटना के बाद मैं खुद को कमतर आंकने लगी थी। प्रियंका की किताब अनफिनिश्ड 9 फरवरी यानी कि आज के दिन रिलीज की जाएगी। वेल, प्रियंका ने तो ये साफ कह दिया कि उन्होंने ये किताब कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि वो सिर्फ अपने हिस्से की कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। बात करें प्रियंका की प्लास्टिक सर्जरी वाले इंसिडेंट की, तो ये वाकई बहुत शॉकिंग है। आपका क्या कहना है प्रियंका के इन बातों के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।